हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी एक यूट्यूबर हो तो आपको ये मेल ज़रूर रिसीव हुआ होगा अभी आज के डेट में, ठीक है। अगर नहीं हुआ अभी तक आपको रिसीव, तो ये रिसीव होने वाला है आपको, ठीक है। तो इसको देख लो, ये सारे यूट्यूबर्स को रिसीव हो रहा है, तो इसको कैसे फिक्स करना है, क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है गाइस। तो ये वाला मेल है आपको गूगल एडसेंस की तरफ से, वन ऑफ़ योर पेमेंट अकाउंट वॉज कैंसिल्ड और आप पेमेंट अकाउंट वर्क कैंसिल, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका एडसेंस का नंबर होगा वहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे PUB नंबर। मैं इसको डार्क कर दिया हूँ बिकॉज ऑफ इट्स सिक्योरिटी रीज़न। तो अभी मैं आपको अपने एडसेंस अकाउंट में भी दिखा देता हूँ कि मेरे एडसेंस अकाउंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया। तो उससे पहले मैं आपको YT स्टूडियो में जाकर दिखाता हूँ कि मेरा एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो गया क्या, या आप लोग का डिसेबल हो गया क्या, और क्यों ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा अकाउंट डिसेबल्ड भी नहीं हुआ, मोनेटाइजेशन ऑन है, ठीक है। यहाँ पे भी मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे भी देखो, यू आर अ यूट्यूब पार्टनर। इसका मतलब है कि अपना अकाउंट जो है वो, तो मतलब कि अभी तक तो हमारा मोनेटाइजेशन डिसेबल नहीं हुआ, बट वो फिर प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो अभी मैं आपको इसमें ब्राउज़र में लिख कर जाऊँगा, और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, मैंने इसको बहुत बारी ट्राई किया है, खुद से भी ट्राई किया कि ऐसा क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। तो गाइस देखो, ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारा जनवरी फरवरी में जो है ना, वो यूट्यूब का और जो वेबसाइट से अर्निंग होती थी ना, उन दोनों का एक ही में आता था। बट जनवरी फरवरी से वो मेथड चेंज कर दिया है गूगल एडसेंस ने, तो हमारे क्या है, अलग अलग पेमेंट आता है, ठीक है। तो जब अलग अलग पेमेंट आता है, तो जैसे कि इन केस मेरी केस में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज़ है, यहाँ पे एक तो यूट्यूब है और एक यहाँ पे एडसेंस है, ठीक है। इसमें इंडिया लिखा हुआ US डॉलर और क्लोज्ड, और यहाँ पे देखो YouTube डॉलर इसमें क्लोज नहीं है, बिकॉज ऑफ कि मेरा YouTube से जो है वो अर्निंग होती है, बट मेरा कोई वेबसाइट नहीं है, मैं कोई वेबसाइट नहीं चलाता हूँ, दैट्स वाई मेरा वेबसाइट से कोई डॉलर नहीं आए, ना तो मैंने अर्निंग किया है। तो उस कंडीशन में ये वाला जो एडसेंस है ना मेरा, ये YouTube वाला इंडियन एडसेंस वाला, ये क्लोज हो चुका है। क्लोज इस वजह से हुआ क्योंकि अगर आप भी एक यूट्यूबर हो और आप सिर्फ यूट्यूब से पैसे कमाते हो और आपका कोई वेबसाइट नहीं है, तो आपको ये भी मेल आया होगा, हर किसी को ये मेल आया होगा। बट अगर कोई यूट्यूबर्स ऐसा है जो अपने वेबसाइट से भी पैसे कमाता है और यूट्यूब से भी पैसे कमाता है, ठीक है, दोनों दो उसके पास सोर्स ऑफ अर्निंग है, तो उसको क्या है, इस कंडीशन में ये मेल नहीं आया है, ठीक है, जो कि अपन को आया है बहुत सारे बंदे को। तो हमें भी आया है बिकॉज ऑफ कि मैं कोई वेबसाइट से पैसे अर्निंग नहीं करता, ना तो मेरी कोई वेबसाइट है, तो इस कंडीशन में। और यहाँ पे YouTube इंडियन डॉलर में, मतलब कि YouTube में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे 100 डॉलर हो चुके हैं, तो मुझे भी ये पेमेंट रिसीव होने वाला था, बट मुझे ऐसा मेल आया तो मैं भी चौंक गया कि यार ये क्या ग्लिच है, क्या बग्स है। तो ये ना तो कोई बग्स है और ना ही कुछ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जस्ट सिंपल ये कि ये जो मैसेज रिसीव हुआ है, इसका मैसेज का कोई वैल्यू नहीं है। इन केस अगर मैं ओनली YouTube से अर्निंग करता हूँ, YouTube की पेमेंट मेरी जोन से डेट को आनी थी 28-22 तारीख को आ जाती है, 25 से 28 तारीख तक, तो मेरी तो अकाउंट्स में ये आ जानी है, ठीक है, पेमेंट्स। बट उन बंदों की जो, जैसे कि जो बंदे YouTube के अलावा भी वेबसाइट से पैसे कमाते हैं, और उनका अगर 6 महीने तक कोई भी अर्निंग नहीं हुआ है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे जैसे कि इंडियन वाले पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे $0 है, ठीक है। अगर मैं अपना वेबसाइट से पैसे कमाता तो यहाँ पे पैसे जुड़ जाते हैं, अगर एक भी डॉलर होते रहते ना मेरे, या $1 छोड़ो, अगर 0.5 पॉइंट भी होते हैं ना, मतलब कि 1 रुपये का 50 पैसे भी $1 का होता है ना, $0.50, तो भी हमारा अकाउंट्स में ये मैसेज नहीं आता मेल पे, जो कि मैसेज हमें मिला है, जो आप लोगों को मिला है, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं, अगर आप यूट्यूबर हो तो आपको पेमेंट्स मिलेगा, टाइमली मिलेगा, यूट्यूब की पेमेंट तो मिलेगी। और उस बंदे को डरने की बात है कि जैसे कि यहाँ पे उनका वेबसाइट था और उनका अकाउंट्स में जो है ना, एक भी डॉलर नहीं अर्निंग हुई है, और उसका अकाउंट 6 महीने तक 0-0 अर्निंग में चल रहा है, तो उसका जो है ना टेम्प्रोरली के लिए ये अकाउंट जो है एडसेंस का, वो डिसेबल हो जाता है, मतलब कि टेम्प्रोरली के लिए कैंसिल्ड हो जाता है, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे यूट्यूब के अलावा वेबसाइट चलाओगे, वेबसाइट से अर्निंग होने लगेगी, अगर मतलब कि महीने के एक भी डॉलर या 0.0 भी डॉलर, 0.5 भी डॉलर, 0.6 भी डॉलर हो गए ना, तो ऑटोमेटिकली ये जो कैंसिल है ये एक्टिव हो जाएगा, और आपको एडसेंस से भी पैसे आएंगे, मतलब कि वेबसाइट से भी आएंगे और यूट्यूब से भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूट्यूब का अपना पेमेंट दिखा दिया, मेरे को ये पेमेंट आने वाली है और ये आके रहेगी, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि कैंसिल का मैसेज आया तो मेरे को पेमेंट में दिक्कत हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हर चीज़ A to Z मैं आपको अपने गूगल एडसेंस को दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने चेक किया कि ना तो यहाँ पे कोई मेरे को मैसेज मिला, ना तो कुछ। इसका मतलब यही है कि
कि हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। 100% जो मैं बोल रहा हूँ ये ट्रू है, ठीक है गाइज़। मैं कोई फेक वीडियो में नहीं बना रहा इसके वजह से ताकि मेरे को व्यूज़ मिले गाइज़। यही ट्रिक्स है और यही है कि आपको कुछ नहीं करना, जस्ट अपने अकाउंट्स को ऐसे का ऐसे एज इट इज़ छोड़ देना है। आपका यूट्यूब का जो भी पेमेंट होगा वो टाइमली आपको मिल जाएगा, आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है गाइज़। तो पैनिक ना हुए, जस्ट अपना काम करें एंड कीप अपलोडिंग योर वीडियो ऑन यूट्यूब एंड